हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक शॉपिंग बैग लेकर आई हूँ। और ये शॉपिंग बैग बहुत थोड़ी छोटी मोटी या कुछ साग सब्जी खरीदने के लायक पर्याप्त है। और तब भी इसमें हमने पॉकेट दी है ज़रूरत भर की। दो पॉकेट हमारी यहाँ हैं और एक फुल पॉकेट हमारी यहाँ पर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसका शेप कुछ इस तरह से है। इसको हम बंद कर देंगे यहाँ पर वेलक्रो से, तो ये शेप हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 16 इंच बाई 32 इंच वन पीस क्विल्टेड, 2 इंच विड्थ लॉन्ग पाइपिंग, 8 इंच बाई 16 इंच वन पीस क्लॉथ। सॉरी, यहाँ स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, ओ की जगह आई टाइप हो गया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 24 इंच टू पीस कॉटन डोरी, जिप 16 इंच वन, रनर टू, 4 इंच वेलक्रो। तो चलिए बैग बनाना शुरू करते हैं। ये हमारे पास पीस है 16 बाई 32 इंच का पूरा एक पीस, और इसमें हम कुछ मेजरमेंट करेंगे। किसी एक साइड से 9 इंच डाउन जाएंगे, ये लाइन खींची है, इसको कट करेंगे और इसमें जिप लगा देंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा है, मैं नाम भूल रही हूँ, कि आप दो रनर क्यों डालते हैं। तो दो रनर मैं हमेशा ऑप्शनल बताती हूँ कि आप चाहे एक डालें चाहे दो डालें, ये अपनी मर्जी के ऊपर है। तो दो जिस बैग में अगर मैं दो रनर डाल रही हूँ तो समझिए कि वो ऑर्डर का है। तो अब बैग जो ऑर्डर लिया दिया जाता है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो कोई कहता है दो रनर डाल दीजिए तो दो रनर डाल देते हैं, नहीं तो एक से ही काम चला लेते हैं। या कुछ जो कस्टमर होते हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि भाई हमें दो रनर चाहिए ही चाहिए, तो हम दो रनर डालते हैं, और नहीं तो एक रनर से भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन आज जो मैं बैग बना रही हूँ इसमें दो रनर तो हमें डालना ही है, क्योंकि इसमें अभी और भी काम बाकी है। आप देखते रहिए, मैं बताती रहूँगी। ये हमारे दो रनर पड़ गए। अब इसमें हम बैक साइड में चलेंगे, और हमने एक पीस लिखवाया था 8 बाई 16 इंच का क्लॉथ, जिसकी स्पेलिंग गलत हो गई थी। इसको हम इधर ना रख करके जो बड़ा पीस है हमारा इस तरफ रखेंगे, जिप के ऊपर रखेंगे, और इसको यहाँ से यहाँ पूरा पैक कर देंगे। नीचे रनर पड़े हैं, ध्यान से सिलना है। यह हमारी एक पॉकेट कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर देखिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है जिसमें हमने ये लाइनिंग लगा के पॉकेट कंप्लीट की है। अब इसमें हम इसका सेंटर निकालेंगे 8 इंच, क्योंकि ये हमारा 16 है। जिप की तरफ लाइन खींचेंगे, ये यहाँ से हमारी लाइनिंग ये लगी हुई है, ये लाइनिंग का हिस्सा है। अब इसको हमने चारों तरफ से तो जोड़ दिया था, अब इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। एक जिप इधर रहेगी, एक जिप इधर रहेगी, सॉरी एक रनर इधर रहेगा, एक रनर इधर रहेगा। इसको हम इतना पीस काट लेते हैं, और ये जो लाइन खींची थी इस पर इसको हम लगा देंगे। जिप के ऊपर तक लगाएंगे, पाइपिंग को मोड़ेंगे,
बराबर से पाइपिंग रखते हुए फोल्ड करके और इसको सिल देंगे। ये हमारी दो पॉकेट कंप्लीट हो गए, ये और ये। ठीक, अब रनर को बीच में कर देते हैं। इसके बाद अगला मेजरमेंट करेंगे हम, यहाँ पर बैक साइड में आएंगे, एक सिरे पर आएंगे 16 इंच के, एक साइड पर 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इधर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा, यहाँ पर एक गोल निशान दे देंगे, इधर से भी 5 पर मार्क करेंगे और इधर से भी 3 पर मार्क करेंगे। इसको जो शेप दिया है तो एक ही तरफ का हम शेप काटेंगे। शेप काटने के बाद इसको फोल्ड करेंगे और इसके साथ रखते हुए इधर का शेप दे देंगे। ये हमने कट कर लिया। अब ये सेंटर मार्क है हमारा 8 इंच का, ये पूरा जो 16 आया था तो ये सेंटर मार्क हमने निकाला हुआ था। इस सेंटर मार्क से 2 इंच डाउन जाएंगे और इसको यहाँ पर नेक शेप देंगे इस तरह से। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद इधर का भी शेप इसी के साथ काट लेंगे। सारे शेप कट करने के बाद अब फिर हम इस फोल्ड को खोलेंगे और ये जो टोटल हमारा कपड़ा था इसका ये हमारा सेंटर मार्क है 16 इंच पर, ये आप देख रहे होंगे, ये 16 इंच पर हमने पूरा मार्क किया हुआ है। अब यहाँ भी मेजरमेंट करेंगे, इस 16 से 2 इंच इधर निशान लगाएंगे, 2 इंच इधर निशान लगाएंगे, फिर यहाँ से 2 इंच ये हमने निशान दिया है। एक रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर आ जाएगा 2x4 का, ये 4 है, ये हमने शेप दे दिया। इसको भी यहाँ पर हम कट कर देंगे। ये सारी हमारी कटिंग हो गई, मेजरमेंट हो गया। नेक पर पाइपिंग लगाएंगे, ये हमने पाइपिंग ली हुई है, दोनों तरफ के नेक पर पहले पाइपिंग लगा देंगे। दोनों तरफ नेक पर पाइपिंग देने के बाद अब हम वेलक्रो लेंगे और ये जो सेंटर है हमारा इस तरह से सेंटर निकाल लेंगे। ये हमारा सेंटर आ गया। सेंटर पर हम यहाँ पर वेलक्रो लगा देंगे। वेलक्रो के कॉर्नर कट कर दिए हैं, राउंड शेप दे दिया है जिससे कि हाथ में लगे नहीं, और इसको इधर लगा देंगे। वेलक्रो का जो दूसरा पार्ट है उसको यहाँ पर लगा देंगे। इसको लगाने के बाद अब हम लेंगे पाइपिंग और डोरी। ये डोरी जो है आपको हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाएगी और इसको हल्का सा खोलने के बाद ये 4-5 लेयर में आपस में घूम के बटी होती है, बड़ी मजबूत होती है, और इसको हल्का सा खोल के देखिए इस पे मशीन आसानी से चल जाती है।
इस तरह से इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो ये दो डोरी हमने 24 इंच की ली है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास पाइपिंग है इसको लेंगे, और ये जो हमने 3 इंच पर राउंड शेप दिया था कट करके, इसको यहाँ पर लगाएंगे। नेक के पास यहाँ पर डबल मशीन चलेगी। इसको करने के बाद अब यहाँ पर इसको इतना लाना है कि ये तने नहीं, आराम से हमारा इस तरह से ढीला रहे, और इसको फिर यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ भी हम डबल मशीन चलाएंगे और इसको यहाँ तक रखेंगे। अब इसके अंदर इस डोरी को यहाँ पर रखते हुए इस तरह से सिल देंगे। डोरी पे मशीन नहीं चलानी है, कपड़े पे मशीन चलानी है। डोरी आपकी साइड में होगी। और यहाँ पर ये सिंगल कपड़ा है, ये सिलाई के साथ यहाँ पे अपने आप ही पलट जाएगा इस तरह से। फिर नेक के पास डबल मशीन। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डोरी जो पाइपिंग की चौड़ाई है, मैंने 2 इंच विड्थ बताई थी, उसकी चौड़ाई आपकी डोरी पर डिपेंड होगी कि आपकी डोरी कितनी मोटी है। अगर इससे ज़्यादा मोटी हुई तो आपको लपेट करके उसको सिलाई का मार्जिन रखते हुए ध्यान रखना होगा कि कितनी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए। तो ये हमारी डोरी पड़ गई। डोरी हमने बढ़ा के ली थी, उसको कट कर देंगे। इसी प्रोसीजर में ये देखिए डोरी पड़ गई। इसी प्रोसीजर में हम दूसरी तरफ भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसको हमने कंप्लीट किया। अब जो साइड का ये वाला कट है इसको आपस में मिलाएंगे, सिल देंगे और पाइपिंग चढ़ा देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद अब ये जो कॉर्नर हमने कट किया था इन दोनों को मिलाएंगे। ये हमारी 16 इंच की लाइन आ रही, 32 था तो इसको बीच में डिवाइड किया था। इस पाइपिंग से इस लाइन को मिलाते हुए और इसको भी पाइपिंग डाल के पैक कर देंगे। सेम प्रोसीजर में हम इधर का भी पीस जोड़ देंगे और ये बैग हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। ये इसका बॉटम आ गया, इसका लुक इस तरह से है कुछ। अब इसको हम सीधा करेंगे। और ये जो बैग है ये छोटी मोटी शॉपिंग के लिए
पर्याप्त है। बहुत ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है इसमें, और यहाँ पर हमने वेलक्रो दे दिया है, आपका सामान वैसे भी सुरक्षित रहेगा। और यहाँ पर हमने दो पॉकेट दे दी हैं। तो ये था आज का हमारा मिनी शॉपिंग बैग, उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें।